नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा, कुरुक्षेत्र हरियाणा से। देखिए, एक बार मेरी जिज्ञासा हुई कि हिप्नोटाइज के बारे में जाना जाए, तो मैंने यूट्यूब पे देखा, काफी वीडियो थी, अलग अलग तरह की वीडियो थी, तो मैंने हिप्नोटाइज के बारे में कुछ गूगल पे सर्च किया, पढ़ा भी, लेकिन मुझे लगा कि बिना प्रैक्टिकल के ये चीज नहीं संभव है, थ्योरी में ये नहीं बन पाएगी बात। तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सी अलग अलग इंस्टीट्यूट की अलग अलग वीडियो थी, मैंने काफ़ी उसके बारे में उनसे बातचीत भी की और फ़ोन के द्वारा भी, व्हाट्सअप के द्वारा भी। तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ थी सब में कॉमन कि ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा थी, और मुझे ऐसा लगता था कि ऑनलाइन क्लासेस में ये चीज़ संभव नहीं हो पाएगी। तो मैंने के हिलर नाम से एक यूट्यूब पे वीडियो देखा, तो मैंने सर से बात की और कहा कि भी मुझे ये सीखना है हिप्नोटाइज के बारे में, मैग्नीज़म के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में। तो सर ने कहा कि कोई बात नहीं, आप सीख सकते हैं। और उसके बावजूद मैंने काफ़ी दिन इसके बारे में मेरे मन में मंथन चलता रहा, एकदम मैंने ये निर्णय नहीं लिया। कुछ दिन के बाद फिर मुझे लगा, मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ के था कि मैं कहीं और एक दो जगह और ट्राई करता हूँ। तो मैंने एक दो जगह और यूट्यूबर से बात की और देखा कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो चीज़ यहाँ है नहीं। तो मैंने के हिलर इंस्टीट्यूट में जो सर थे उनसे बात की और इसके बारे में मुझे, क्योंकि इस ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सब्जेक्ट के तौर पे नहीं जान सकते कि इस सब्जेक्ट में इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, कैसे कैसे रहेंगे, और ये एक गोपनीय विषय कह सकते हैं इसको आप, गुप्त रूप से है जो। तो फिर मैंने सर से बात की तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उनको मिलकर, उनसे बातचीत करके बढ़ा और मुझे इच्छा हुई कि मैं भी सीखना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात मेरे को जो यहाँ मिली वो ये मिली कि ऑफलाइन क्लास थी भी, हम आमने सामने बैठकर, जिसको शक्तिपात दीक्षा, वास्तविक शक्तिपात दीक्षा कहा जाता है, जिसको कि हम स्पर्श के द्वारा, हाथों के द्वारा दे सकते हैं या गुरु सन्निध्य में बैठ कर मिल सकती है, तो वो मुझे मिली। तो मैंने ये 3 दिन की क्लास अटेंड की, इसके अंदर मेरे अंदर जो भी हिप्नोटिज्म को लेकर थी, मैग्नीज़म को लेकर थी, मैस्मरिज्म को लेकर थी, मैग्नेटिज्म को लेकर थी, वो सभी भ्रांतियां धीरे धीरे दूर हुई और मैंने देखा कि एक वास्तविक में एक बहुत अच्छी विद्या है जिसको हर आदमी को ग्रहण करना चाहिए। और ग्रहण भी आप वहां से करें जहां आपको ये शिक्षा गुरु प्रणाली से, गुरु दीक्षा के रूप में मिले। ऐसा ना हो कि आप एक दूर बैठे हैं, दूर दराज में बैठे हैं और इसको आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें और आप उसको कभी भी आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। यहाँ मुझे वो चीज़ मिली, मैंने प्रैक्टिकल खुद किया और उस प्रैक्टिकल को मैं जो यूट्यूब में देखता था कि कैसे लोग सम्मोहन शस्त्र के द्वारा, सम्मोहन विद्या के द्वारा किस प्रकार लोगों का मतलब वशीकरण होता है या गिरते हैं और किस प्रकार उनको पासिस देकर उनके रोगों को दूर किया जाता है, ये सिर्फ मैंने देखा था, लेकिन जब खुद प्रैक्टिकल किया तो मजा आ गया। तो मुझे लगा कि वाकई जो मेरा निर्णय था वो उत्तम निर्णय था। मैंने जो यहाँ के हेलर सर से जो मैंने ये शिक्षा ली, इनका मैं आभारी हूँ, इनके इंस्टीट्यूट का आभारी हूँ, जो इन्होंने मुझे दिल खोलकर ये विद्या के बारे में, एक एक चीज के बारे में, जो इसकी बारीकी है, जो इसके बारे में मंत्राज हैं, उनके बारे में जो मंत्राज किस प्रकार वर्क करते हैं, एनर्जी क्या होती है, शक्ति क्या होती है, हम किस प्रकार से आदमी को डिस्टेंस के द्वारा एनर्जी भेज सकते हैं, सेल्फ हिप्नोटिज्म क्या होता है, मनी अट्रैक्शन क्या होता है, जितनी भी आप यूट्यूब पर जितनी भी चीजें देखेंगे वो केवल मैंने देखी नहीं, उनको पढ़ा ही नहीं थ्योरिकल, मैंने प्रैक्टिकल भी किया। और प्रैक्टिकल ऐसा कि लाजवाब, हो सकता है कि आप, मैं जो सीखा हूं इसकी वीडियो आप सर के यूट्यूब पे भी मिल सकती है, आपको, आप देख सकते हैं कि वो मैंने खुद भी खुद कैसे ये किया। 3 दिन के अंदर मैंने ऐसा सब कुछ किया जो मुझे लगता था कि ये सब सिर्फ अफवाह है और ये जो लोग रहते हैं, ये लोग उनके अपने लोग रहते हैं, और जैसा वो एक नाट्य, मुझे लगता था कि एक नाटक टाइप में ये चीजें होती है, लेकिन मैंने खुद अननोन लोगों को ये किया जिनको मैं जानता नहीं, वो मुझे नहीं जानते, और मैंने उसको करके देखा और मैंने वास्तविक में पाया कि एक विद्या उत्तम विद्या है। और इसके सिखाने वाले सर के हिलर इंस्टीट्यूट बेस्ट इंस्टीट्यूट है, आप सब आइए और इनसे सीखिए और आप भी
जो आपकी भ्रांतियां हैं, जो एक सबसे बड़ी बात आपको जो ये लाखों में ये कह सकता हूं कि ये इतनी फीस होती है कि एक आम आदमी मध्यम वर्ग इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता, लेकिन आप एक जो जिसको बोलते हैं कि एक मिनिमम कह सकते हैं या उसको एक आदमी की रेंज में कह सकते हैं, इस रेंज में भी आप इसको यहाँ सीख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि लाखों करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके आप इसको सीखें। धन्यवाद।